सबकी नमस्ते, राम राम। माता जी की पूजा होएगी, हाँ, माता जी की कृपा है, अच्छी से अच्छी ढोलक बजाएंगे, कीर्तन करेंगे। हेलो गाइस, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का 6th डे, तो आज छठवा व्रत हो गया है। तो हम लोग एक तो व्रत चल रहे हैं, और आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा है, पता होगा कि हम लोगों ने पूजा पाठ किया था और व्रत किया था, स्थापना वगैरह हुई हमारे यहाँ। और टिन्नू हमारे गए हुए थे हॉस्पिटल, तो इस वजह से हम लोग आगे ब्लॉगिंग नहीं कर पाए हैं। 3-4 दिन टिन्नू का एडमिट करना पड़ा था, थोड़ा सा उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होना था, इस वजह से 2-3 दिन लग गए वहाँ पर। PGI उसको एडमिट करवाया था लखनऊ में, तो इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाए हम लोग। तो आज से फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टिन्नू घर वापस आ गए हैं। तो अभी आप लोगों को टिन्नू से भी मिलवाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमारे जीजा जी तहरी बना रहे हैं, ये हैं टिन्नू के पापा जी। तो तहरी बनाई जा रही है, तो हम लोगों का तो व्रत चल रहे हैं, तो जीजा खाएंगे, तनिष्क खाएंगे, 2-3 लोग का व्रत नहीं है, तो उनके लिए तहरी बनाई जा रही है। जीजा हमारे बहुत तहरी अच्छी बनाते हैं। टिन्नू आए बोलो। तो ये देखिए, ये है टिन्नू का, यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था गर्दन में, ये दिख रहा हूँ। तो इसी वजह से इनको यहाँ पर एडमिट किया गया था 2-3 दिन के लिए, तो ब्लॉग नहीं बन पाया, टिन्नू घर आ गए हैं। हाँ टिन्नू, कैसे हो? बढ़िया। आज हमारे सचिन मामा ही रहूंगा, मैं चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? किन्नौर चले जाएंगे। अच्छा, घर जा रहे हैं। तो सबके व्रत चल रहे हैं, तो यहाँ जीजा तहरी बना रहे हैं, बर्तन मांजने में लगा दी गई है, तो राहुल भाई बर्तन मांजते हैं। जीजा जी आज तहरी बना रहे हैं, काफी अच्छी तहरी बनने वाली है, राहुल को मजा आ जाएगा खा के। तो क्या हुआ, बर्तन धो रहे हो आप? तो ऑफिस में बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको। हमारा व्रत ना होता तो हम भी आज खा के टेस्ट करते। तो गाइस, यहाँ पर देखिए हमारे सानी दीदी पढ़ाई कर रही हैं, और ये भी व्रत है, नवरात्र पूरे व्रत है। हम लोग सानी भी है, हम हैं और बड़ी दीदी हैं व्रत। तो कैसा लग रहा है व्रत रहने में आप लोगों को? थोड़ा सा अलग लग रहा है सबसे, क्योंकि सानी पहली बार पूरे व्रत रही है, तो कुछ लग रहा होगा ना, कमजोरी वगैरह महसूस हो रही होगी? थोड़ी थोड़ी हो रही, स्टार्टिंग में हुई, अब इतना नहीं लग रहा है। हाँ। पहले बहुत लग रहा था, अब नॉर्मल। बस अगर कोई सामने कुछ अच्छी चीजें रखता था तो थोड़ा सा लगने लगता है, पर अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन थोड़ा सा दिक्कत लगती है, फिर मजा आने लगता है, फिर तो अच्छा लगता है। थोड़ा माता जी हिम्मत दे देती है ना हम लोगों को। फिर तो आज हम लोग का कितने, कौन सा 6 दिन हो गया, आज छठा व्रत है हम लोगों का। तो भाई आओ आओ, तुम्हारे लड़के ने बनाई तहरी कितनी अच्छी, खा के बताओ कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बिना खाए मतलब लड़के की तारीफ इतनी बढ़िया, बिना खाए बता दी बहुत अच्छी बनी। तनिष्क कैसी बनी? बहुत बढ़िया। हम्म, अच्छी लग रही। तो सानी दीदी यहाँ पे देख तहरी खाई जा रही, सानी का व्रत है तो सानी का थोड़ा सा मन ललचा जाता है देख। तुमने, तुम्हारे पापा ने तहरी बनाई है, कैसी लग रही? क्यों बहुत अच्छी बनी, बड़ा टेस्टी है। हाँ, बहुत अच्छी बनी। तो कितने लाइक मिलना चाहिए जीजा को? हाँ जीजा, 1000 लाइक। हमारे लड़के ने बनाई, बहुत ही बढ़िया बनी। अच्छा, बहू नहीं बनाती बढ़िया? बहू कुछ बढ़िया नहीं बनाई पकती। मतलब लड़के ने आज बना के एक दिन खिलाई है, तो बहुत अच्छी बनी। आपके हस्बैंड ने आज तहरी बना के खिलाई है आपको? बहुत अच्छी बनी, मेरे हस्बैंड ने बनाई तहरी। मजा आ गया खा के? हाँ, बहुत अच्छी, मेरे बच्चा भी खा रहा है। भैया टिन्नू खाओ, पापा ने आज तहरी बनाई तुम्हारे। गाइस हम लोग मार्केट जा रहे हैं। हाँ गाइस, चलते हैं फिर शॉपिंग कराने आपको। लेट हो गए हैं, 7 बजने वाला है, आरती का भी टाइम हो गया, आरती करनी है हम लोगों को। बड़े भैया ने कहा था वहाँ पर डेकोरेशन का कुछ सामान लेना दिवाली के लिए, देख कर आना, तो वही हम लोग देखने गए थे। कल हमारे यहाँ कीर्तन है माता जी का,
गाने तैयारी कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है ढोलक बजाने की, काफी दिन बाद बजा रही है। बजा के सुनाओ, काफी सालों का बजा, प्रैक्टिस करो, कल अच्छे से बजाना कीर्तन। मैं नहीं बजा रही, बजा देना, तुम्हारी दादी बजाएंगी, सानी बजाएगी। ना कॉम्पिटिशन चल रहा है, खाली तिजोरियां काजल की सियाई से लिखी है तूने जाने फूलों की लव स्टोरियां, ये दरिया तेरा इश्क है तेरा रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते तेरी फिक्र में सारी तेरी खैर बनाऊं केसरिया तेरा इश्क पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते इश्क पिया। जी अभी ढोलक की प्रैक्टिस कर रही हैं, कल कीर्तन होगा, ढोलक बजाकर चेक करी जा रही है अच्छे से बज रही है कि नहीं बज रही। माता जी के कीर्तन गाएंगे, कल माता जी की पूजा होगी, हाँ माता जी की कृपा है, अच्छी से अच्छी ढोलक बजाएंगे, कीर्तन करेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारी बहू जी है वो बरते हैं, और मेरी स्वानी बिटिया पोती हमारी वो भी व्रत है, सचन भी व्रत है, बहुत अच्छी पूजा करते हैं, बहुत अच्छी आरती गाते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर टिन्नू देखिए मेला घूम कर आए हैं और यहाँ पर कार लेके आए हैं, बहुत अच्छी लग रही तुम्हारी कार। तो सबसे कह दो हमारी कार अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, हमारी कार अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना। अच्छा तो भाई टिन्नू ने कहा है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। सबकी नमस्ते, राम राम। हमारे सचिन भैया व्रत है और पूजा पाठ बहुत अच्छा करते हैं, माता जी की कृपा है और बाबा जी की कृपा है, वो बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। लाइक करना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो गाइस रात के 11 बज गए हैं और अब नींद आने लगी है, व्रत भी है, थकान हो जाती है तो नींद आ रही है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा हमारे ब्लॉग में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे नए नए ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।